गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ेंगे और इसमें आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो 1985 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ होने चाहिए एज अ ड्रग। फिर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि फर्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? अ पर्सन हैबिचुअल टू रेगुलर यूज़ ऑफ एनी नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इज नोन एज एडिक्ट। किसी भी नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का कोई पर्सन रेगुलर यूज़ कर रहा है तो वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है, उसको उस चीज़ की लत पड़ जाती है, इसको बोलते हैं एडिक्ट। कैनाबिस, कैनाबिस मतलब भांग। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट चरस, विच इज़ अ रेजिन इन क्रूड और प्यूरिफाइड फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाबिस प्लांट विच इंक्लूड कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन एंड अ रेजिन नोन एज हशीश ऑयल। चरस क्या होता है? ये एक रेजिन होती है जो कि क्रूड और प्यूरिफाइड होती है फ्रॉम ऑब्टेंड, एंड ये ऑब्टेंड होती है कैनाबिस प्लांट से। चरस एक तरह की रेजिन होती है जो कि कैनाबिस प्लांट से ऑब्टेंड होती है, जो कि कंटेन करता है कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस ऑफ अ रेजिन। कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस ऑफ रेजिन्स कंटेन करता है, इट इज़ नोन एज द हशीश ऑयल। थर्ड वन इज़ गांजा। गांजा क्या होता है? विच कंप्राइजेज ऑफ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट। कैनाबिस प्लांट जो होता है उसका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप होता है, उससे गांजा बनता है। थर्ड वन इज़ एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल ऑफ गांजा और चरस और एनी ड्रिंक प्रपेयर्ड फ्रॉम देम। गांजा और चरस से कोई भी ड्रिंक प्रपेयर होती है उनके न्यूट्रल मटेरियल से। फिर आता है हमारा कोका डेरिवेटिव। कोका डेरिवेटिव क्या क्या कंटेन करता है? फर्स्ट है क्रूड कोकेन विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन। जब कोकेन का मैन्युफैक्चर होता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रूड कोकेन यूज़ होता है। कोकेन विच इज़ मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइल इकोगोनाइन एंड इट्स सॉल्ट्स। कोकेन जो कि एक मिथाइल ईस्टर है बेंजोइल इकोगोनाइन का और उसके सॉल्ट का। थर्ड वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। प्रिपरेशन होती है जो कोकेन की, वो कंटेन करती है मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। जो कोका डेरिवेटिव होता है, जो कोका की प्रिपरेशन होती है, वो 0.1% कोकेन कंटेन करती है। फिर आता है मेडिसिनल कैनाबिस। मेडिसिनल कैनाबिस क्या होता है? इट इज़ एनी एक्सट्रैक्ट और टिंचर ऑफ कैनाबिस। कैनाबिस का कोई भी एक्सट्रैक्ट और टिंचर होता है उसको बोलते हैं मेडिसिनल कैनाबिस। और लास्ट वन आता है हमारा नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग क्या होता है? इट मींस कोका लीफ कैनाबिस ओपियम पॉपी एंड स्ट्रो इंक्लूडिंग ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स में जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं वो सब हमारे नारकोटिक ड्रग्स में आते हैं। उसके बाद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते? तो पहला इसमें हमारा आता है कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। किसी भी कोका प्लांट का कल्टीवेशन और उसी कोका प्लांट के किसी भी पोर्शन का गैदर करना रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट वन इज़ कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी और एनी कैनाबिस प्लांट्स। ओपियम पॉपी का कल्टीवेशन और किसी भी कैनाबिस प्लांट का कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्टेड है। थर्ड वन इज़ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पजेसन सेल परचेज ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ NDPS एक्सपर्ट फॉर मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पस एंड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर द अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लाइसेंस परमिट टू ऑथराइजेशन और इफ प्रोवाइडेड। ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। उसके बाद हमारा आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड
रेगुलेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, किस किस चीज़ों के लिए वो परमिट कर सकता है, परमिशन दे सकता है। फर्स्ट वन इज़ परमिशन और रेगुलेशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ द कल्टिवेशन और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट और द प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट यूज़ ऑफ कंजप्शन ऑफ कोका लीव्स। किसी भी कोका प्लांट का कल्टिवेशन और उसका गैदरिंग, उसके किसी पोर्शन का गैदरिंग और कोका प्लांट का कल्टिवेशन, उसका प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, कंजप्शन एंड यूज़, इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। सेकेंड वन इज़ द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी, ओपियम पॉपी के कल्टिवेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम, ओपियम के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर के लिए एंड प्रोडक्शन ऑफ पोपी स्ट्रॉ, पोपी स्ट्रॉ के प्रोडक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। द सेल ऑफ ओपियम एंड ओपियम डेरिवेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और सेल टू स्टेट गवर्नमेंट और टू मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। द इम्पोर्ट इन टू इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की परमिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। कंट्रोल और सर्टेन ऑपरेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या क्या परमिशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स और क्या क्या पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, डैट इज़ फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट शेल फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट्स विद इन विच लाइसेंस मे बी गिवन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। गवर्नमेंट शेल फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट्स, गवर्नमेंट्स फिक्स करेगी टाइम टू टाइम लिमिट्स विद इन विच लाइसेंस मे बी गिवन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम कल्टिवेशन, ओपियम पॉपी कल्टिवेशन के लिए जो लाइसेंस प्रोवाइड कर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और इसका एक फिक्स टाइम होगा। नेक्स्ट वन इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स द प्राइज ऑफ द प्राइस टू बी पेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो टाइम टू टाइम प्राइस फिक्स करेगी कल्टिवेशन ऑफ ओपियम डिलीवर्ड का। नेक्स्ट वन इज़ पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन सी पावर्स आती हैं, वो क्या क्या परमिशन दे सकती है। द फर्स्ट वन इज़ द पजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट, इम्पोर्ट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, वेयर हाउसिंग, सेल, परचेज, कंजप्शन एंड यूज़ ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। ये सारी जो हमें परमिशन है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। नेक्स्ट वन इज़ द पजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, सेल, परचेज, कंजप्शन एंड यूज़ ऑफ ओपियम। जो हमारा फर्स्ट वन था वो हमारा पॉपी स्ट्रॉ का ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट, इम्पोर्ट था, और ये जो हमारा है वो यूज़ ऑफ ओपियम, ये हमारा ओपियम के लिए है। ओपियम का भी ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, सेल, परचेज, इन सब की परमिशन भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट, थर्ड वन इज़ किसी भी कैनाबिस प्लांट का कल्टिवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल एंड यूज़ ऑफ कैनाबिस, इसकी परमिशन भी हमें स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है।